Embrace the chaos. सो आज मार्वल की सीरीज मून नाइट का लास्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और भाई साहब क्या सीरीज है। मेरे लिए पर्सनली मून नाइट मार्वल की सेकंड बेस्ट वेब सीरीज है लोकी के बाद। यह सीरीज मार्वल की दूसरी सीरीज से अलग है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज को एमसीयू के दूसरे यूनिवर्स के साथ कोई भी लिंक नहीं किया गया है और साथ ही साथ मार्वल बहुत टाइम बाद अपनी PG-13 के बैरियर को पुश करते हुए इसे 16+ रेटिंग्स के साथ रिलीज़ किया है। अब सीरीज़ के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, परफॉर्मेंसेस। मून नाइट मार्वल की सीरीज़ होने के बावजूद ये सीरीज़ ऑस्कर आइज़ैक की परफॉर्मेंस की वजह से हमेशा याद रह जाएगी। मतलब बंदे ने क्या एक्टिंग किया है, एक ही टाइम पर दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ को प्ले करना और ऑडियंस को उन दोनों कैरेक्टर के साथ ही जोड़कर रखना, इट्स अ माइंड ब्लोइंग जॉब। ऑस्कर आइज़ैक के साथ साथ मेक कैलामेवे भी एंड तक आते आते आपके दिलों में गहरी छाप छोड़ देती है। नंबर 2, इमोशंस। यस, इमोशन ऑल्सो इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ऑल दो सीरीज की लास्ट 3 एपिसोड मार्क स्पेक्टर की इमोशनल जर्नी को एक्सप्लोर करती है और उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करती है। नंबर 3, माइथोलॉजी। इजिप्शियन माइथोलॉजी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माइथोलॉजी है, बट मून नाइट सीरीज उसे कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत ही सॉफ्ट और सैटायर वे में उसे हैंडल करती है, जो कि एक बढ़िया डिसीजन है फॉर अ नॉर्मल ऑडियंस। ये सीरीज़ बढ़िया होने के बावजूद भी इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे मार्वल की सीरीज़ होते हुए भी ये सीरीज़ अपनी VFX को लेकर बहुत ही ज़्यादा चूजी हो जाती है। ये सीरीज़ अपनी सिचुएशन को जितना बिल्डअप करती है उसके मुताबिक उसके एक्शन को उतना जस्टिफाई नहीं कर पाती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह सीरीज़ इथन हॉक जैसे अमेजिंग एक्टर को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। ओवरऑल मून नाइट मार्वल की सीरीज़ होते हुए भी अपने एक इंडिविजुअल अप्रोच रखने में कामयाब होती है और आपके दिलो दिमाग में एक छाप छोड़ देती है। माय रेटिंग्स फॉर मून नाइट इज 3.5/5। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बीइंग ऑसम।